नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अमेजिंग वीडियो में। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक जीनियस हो और आपको आज तक पता भी नहीं हो? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे तो स्कूल या कॉलेज में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं एक जीनियस कैसे हो सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि एक जीनियस का मतलब कुछ और ही होता है। इस वीडियो के अंत तक शायद आपको ये पता लगे कि आप तो एक जीनियस हैं, यानी सुपर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसान के अंदर कुछ ऐसे लक्षणों का पता लगाया है जिससे आप जान सकते हैं कि आप जीनियस हो या नहीं। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो वैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल सत्य है। और हाँ, अब मैं जो आपको ट्रेट्स बताने जा रहा हूँ वह एक बार आप अपने ऊपर जरूर देखें, क्या पता हो सकता है कि आपके अंदर वो लक्षण हो। नंबर 10, रात को देर तक जागने की आदत। जीनियस रात को देर तक इसलिए जागता है क्योंकि उसे नॉलेज गेन करने की भूख रहती है। यदि आप एक जीनियस हो तो आपका दिमाग कुछ न कुछ करना चाहेगा, इसलिए ज्यादातर जीनियस को नींद ना आने की बीमारी होती है। क्योंकि महान साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला, जिसकी वजह से आपके घर में बिजली आ रही है, वह केवल दिन में 2 से 3 घंटे तक ही सोते थे। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल है। नंबर 9, आलसीपन। चाहे आप यकीन करें या न करें, लेकिन ये साइंटिस्ट के रिसर्च में पाया गया है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप आज से लेजी हो जाएं, लेकिन ये रिसर्च में पाया गया है। क्योंकि आपके खाने की 20% एनर्जी आपके दिमाग को जरूरत होती है, और जब जीनियस काम करता है तो उसका माइंड औरों से ज्यादा एनर्जी यूज करता है। माइंड के जल्दी थकने के कारण वह थोड़ा लेजी हो जाता है, और जीनियस का दिमाग हमेशा कुछ काम को शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करता है। वो लेजी जीनियस ने ही टीवी के रिमोट का आविष्कार किया है ताकि उन्हें टीवी को ट्यून करने के लिए उठना न पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लेजी बन जाओ, मैं वो बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव है। इसलिए तो बिल गेट्स ने कहा है कि मैं मुश्किल काम को आलसी लोगों को करने को देता हूँ ताकि वह मुश्किल काम को करने का आसान रास्ता ढूंढ सके। नंबर 8, सामाजिकता का कम होना। कम सोशल होना एक प्रकार से नेगेटिव चीज है, लेकिन ये ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होती है। इसलिए वो लोग सोसाइटी में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। उनकी इंटरेस्ट बाकी और लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं। एक ने हजारों रिसर्च में ये पता लगाया कि बुद्धिमान लोग कम सोशल होते हैं। नंबर 7, थिंकिंग बिफोर स्लीपिंग। अगर आपके दिमाग को रात को सोने से पहले सोचने की आदत है तो कॉन्ग्रेट्स, वेलकम टू जीनियस ग्रुप। आज पूरे दिन क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, अगर सोने से पहले ये सब सोचते हो तो ये एक जीनियस माइंड की तरफ संकेत करता है। आपका दिमाग स्मार्ट है, इसलिए वह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है ताकि अगले दिन जो होने जा रहा है उसके बारे में आप अच्छे से अपने कार्य को निपटा सके। नंबर 6, जानने की इच्छा। क्योंकि जो लोग जीनियस होते हैं उनकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है। अगर आप किसी भी चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तो ये एक जीनियस इंसान के लक्षण है। किसी चीज को जानने की इच्छा यदि आप में औरों से ज्यादा है तो इसका मतलब आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की घनत्व काफी ज्यादा है, इसलिए जीनियस को किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा ज्यादा होती है। नंबर 5, अपने आप से बात करना। क्योंकि जीनियस लोग अपने आप से बात करना पसंद करते हैं। खुद से बात करना एक बहुत ही खास चीज है जो सभी लोग नहीं करते हैं। अगर आप एक जीनियस हो तो आप चीजों को गहराई से देखोगे और इसके दौरान बीच बीच में खुद से बात भी करोगे। नंबर 4, नेल साइन। यदि आपके अंगूठे में, जी हाँ अंगूठे में, मैं और किसी फिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आपके अंगूठे में ये जो साइन है तो आप जीनियस हो। ये व्हाइट नेल का साइन जितना ज्यादा गहरा होगा उतने ही ज्यादा आप लॉजिकल इंसान है। भुलक्कड़ होना। बुद्धिमान लोगों की एक आदत किसी चीज को भूल जाना भी होती है। वैसे तो यादाश्ती यानी अच्छी मेमोरी को इंटेलिजेंसी की निशानी माना जाता है, लेकिन रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग भुलक्कड़ होते हैं उनमें इंटेलिजेंसी काफी ज्यादा होती है। क्योंकि ये लोग छोटी छोटी चीजों को इसलिए भूल जाते हैं ताकि नए आइडियाज को अपने दिमाग में रख सकें। तो अगली बार जब भी आप चाबी या कोई अन्य चीज रखकर भूल जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि आपके दिमाग में नए आइडियाज के लिए जगह बन रही है। नंबर 2, अव्यवस्थित रहना। आपने फिल्मों या टेलीविजन में किसी जीनियस को देखा होगा जिसे काफी अव्यवस्थित दिखाया जाता है। फिर वो चाहे उसके कपड़े हों या डेस्क पर बिखरे हुए सामान की बात हो या फिर उसके सर या दाढ़ी के बड़े हुए बाल हों। बहुत से लोग सोचते होंगे ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। जबकि रिसर्च करने वालों की माने तो यह आपके जीनियस होने का संकेत है। नंबर 1, ब्लू आईज। यूनिवर्सिटीज के अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन लोगों की आंखें नीली होती हैं वो लोग ज्यादा रणनीतिक विचारक होते हैं, यानी वे लोग औसत लोगों से कई गुना ज्यादा किसी भी चीज को सही ढंग से करने की प्लानिंग करते हैं। इन सभी लक्षणों में से आपके अंदर कौन से लक्षण मौजूद हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इन 10 ट्रेट्स में से आपके अंदर कितने ट्रेट्स हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।